Hi friends and welcome back again to Roma's Kitchen. मेरा नाम आप सबको अब तक तो याद ही हो गया होगा. जी हाँ, हमारा नाम रोमा है और आज हम आपके लिए बहुत ही पॉपुलर डिश लेकर आ रहे हैं. इंडिया की जो बहुत ही फेमस डिश है, गेस करिए. नहीं कर पाए, चलिए हम आपको बताते हैं. इसका नाम है बटर चिकन. जी हाँ, बटर चिकन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और ये इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इंडियन बहुत ही फेमस डिश है. तो ट्राई करिए और देखिए कैसी बनती है. बटर चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन जो बॉईल करके हमने श्रेड किया हुआ है, 3 से 4 बे लीव्स, 2 हरी मिर्ची, 4 कटी हुई प्याज, 6 कटे हुए टमाटोज, 50 ग्राम काजू पेस्ट, उसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 छोटे चम्मच चिकन तंदूरी मिक्स का पाउडर, 1 कप फ्रेश क्रीम, 400 ग्राम दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 50 ग्राम मक्खन, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 को पहले से हमने मलमल के कपड़े में रखकर उसका पानी निकाल दिया है. अब इसे तंदूरी मिक्स पाउडर के साथ हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. उसमें हम श्रेडेड चिकन डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि सारा मसाला हर चिकन श्रेड जो किया हुआ है उसमें लग जाए. और इसे हम 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे. फिर एक कढ़ाई में जो तेल रखा था उसे गर्म करेंगे और उसमें हम बटर मिला लेंगे. बटर आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं. अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप थोड़ा बटर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बटर चिकन की डिश है इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है. मक्खन को अच्छी तरीके से पिघला लेंगे और फिर उसके अंदर हम हरी मिर्च मिलाएंगे और तेज पत्ता मिला लेंगे. उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे. उसमें कटी हुई अब हम प्याज मिला लेंगे. प्याज को बारीक काट लीजिएगा इस तरीके से. प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे हल्का. उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लेंगे. प्याज के साथ ही हम अदरक लहसुन पेस्ट भी थोड़ा सा भून लेंगे. इसके भुन जाने के बाद जब ब्राउन कलर आ जाए तो उसमें हम टमाटर मिला लेंगे. अब टमाटर को इसमें मिलाकर अच्छी तरीके से हम गला लेंगे थोड़ा. थोड़ा पानी मिलाएंगे ताकि मसाला जल ना जाए. इसे हम मिक्स करते जाएंगे.
जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये मिक्सचर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो उसे हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। सारा मिक्सचर अगर थोड़ा ड्राई है तो उसके अंदर हम थोड़ा पानी मिला लेंगे। इसमें आप आधा लीटर पानी मिला सकते हैं। और काफी फाइन पेस्ट होने तक इसको हम मिक्स करेंगे मिक्सी में। ये जब मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसे हम ऐसे बड़ी छन्नी में छान लेंगे। ताकि मोटे मोटा टमाटर अलग हो जाए और उसका जूस जिससे हम ग्रेवी बनाएंगे वो अलग हो जाए। इस तरीके से जब सिर्फ पल्प रह जाता है तब तक हम इसे छानेंगे। अब इस कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए तो उसमें काजू पेस्ट डालेंगे जो पीस कर रखा है हमने। उसको फिर 2-3 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। उसके अंदर फिर हम ये नमक और मिर्च मिला लेंगे। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नेचुरली ज़्यादा पसंद है क्योंकि बटर चिकन में हल्का येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। टमाटो केचप डाल के थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं आप और टेस्ट भी बढ़ जाता है ग्रेवी का। टमाटो केचप मिक्स कर दिया हमने इसमें और ये अच्छा सा कलर आ गया अब ग्रेवी में। अब इसके अंदर जो हमने मैरिनेटेड चिकन है वो मिला लिया। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर बॉईल करेंगे। इसमें फिर हमने जो फ्रेश क्रीम रखी थी उसे मिला लिया। देखिए ये डिश बहुत रिच होती है और ये आप स्पेशल ओकेजन्स पे बना सकते हैं। कसूरी मेथी को आप ब्लेंडर में थोड़ा सा मिक्स करके इस तरीके से जब ये छोटे छोटे दाने हो जाए इसको इसमें डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है बटर चिकन की ग्रेवी में। बस बटर चिकन अब बनने ही वाला है और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जो गरम मसाला था वो हम मिक्स कर लेंगे। मसाला पहले नहीं डालते क्योंकि बाद में डालने से इसका फ्लेवर ही डिफरेंट हो जाता है। अब अपने हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं कि आपको कितना मीठा चाहिए। वैसे 2 चम्मच चीनी ठीक रहती है। और फिर उसको हरी धनिया जो कटी हुई रखी है उसे हम गार्निश कर लेंगे। अब बटर चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक बार फिर हम नज़र डालते हैं कि बटर चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिश बना के भाई हमें तो बड़ा मजा आया। आप भी बना कर देखे क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी हटकर है और ज्यादा टेस्टी भी बनेगी और मजा भी आएगा। तो ट्राई करिए। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज लिखिए। थैंक यू सो मच।